दोस्तों एक्सेल में ये मैंने बनाई है फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट, जिसमें हम पूरे एक साल की यानी 12 मंथ्स की अटेंडेंस आसानी से मेंटेन कर सकते हैं विद सैलरी कैलकुलेशन, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है दोस्तों। तो इसका डेमो एक बार आप देखिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको आप बनाओगे कैसे। जो इसकी खास बात है ना इस अटेंडेंस शीट की, वो ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक तो है ही, साथ में हमने 12 मंथ्स की अटेंडेंस यहाँ पे मेंटेन करने के लिए VBA कोड का कोई भी यूज़ नहीं किया है। बिना VBA के मैंने इस अटेंडेंस शीट को तैयार किया दोस्तों। तो इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को तो मिलेगा ही, और ये अटेंडेंस शीट आपके बहुत काम आएगी क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक है, 12 मंथ्स के लिए है, सैलरी कैलकुलेशन भी साथ में मिलने वाली है। तो इसका डेमो आप देखिए, ये है हमारी अटेंडेंस का होम, जैन से लेके दिसंबर यहाँ पे बटन बना रखे हैं मैंने। आपको जिस भी मंथ में अटेंडेंस में एंट्री करनी है या कुछ चेक करना है, आप उसी बटन पे क्लिक करके उसी मंथ के अटेंडेंस में आ जाओगे। मैंने जैन पे क्लिक किया तो जैन के अंदर हम आ गए। यहाँ पे एंट्रीज मैंने कर रखी हैं, और यहाँ पे संडे जो होंगे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होंगे, डेट एंड डेज जो हैं वो ऑटोमेटिक मंथ की जो भी लास्ट डेट है वहीं तक फिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एंट्री मैंने कर रखी है, नीचे के दो रिकॉर्ड मैंने खाली छोड़ रखे हैं। ठीक है, इधर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सैलरी कैलकुलेशन मिल जाएगी। देखिए प्रेजेंस, एब्सेंस, टोटल डेज ऑफ मंथ, बेसिक सैलरी, PF, पर डे अमाउंट, HRA, टोटल अमाउंट, इन हैंड सैलरी, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। थोड़ा सा नोटिस आप कीजिए इसमें, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है और इन हैंड सैलरी है वो इन नीचे वाले दो रिकॉर्ड्स की जीरो दिखा रहा है, क्योंकि हमने इन दो रिकॉर्ड्स में कोई एंट्री की ही नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो काफ़ी वीडियोस आपने अगर देखे हो और वहाँ पे नोटिस किया हो, तो सैलरी कैलकुलेशन में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परफेक्ट कैलकुलेट नहीं मिलती हैं। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो को ऐसा यूजफुल बनाया जाए आपके लिए, जिससे ये अटेंडेंस शीट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आए दोस्तों। तो अब हमें जाना है होम पे, तो होम पे हम क्लिक करेंगे, होम पे आ गए। फैब में जाना है, फैब पे क्लिक कर लीजिए, फैब में आ गए। देखिए 28 फैब तक यहाँ पे डेट्स एंड डेज हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक है, सैलरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे इधर मिल जाएगी, ये देखिए। ठीक है, आपको फिर से होम पे जाना है तो होम का बटन यहाँ पे मिलेगा, क्लिक कर दीजिए, होम पे आ गए। मार्च में जाना है, मार्च में आ गए, एंट्री मैंने कर रखी है, फिर से हम होम पे आ गए। अप्रैल में मैंने यहाँ पे 2 ही दिन की एंट्री की है, बाकी हम आगे कर लेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में जो आपको नया सीखने को मिलेगा, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना दोस्तों अगर आपको ये बनाना सीखना है तो। और अगर आपको ये टेम्पलेट डाउनलोड करनी है ना वीडियो देखने के बाद, तो आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपनी ईमेल आईडी जो है ना उसको कॉमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली आपको ये जो है सीट उसको मेल करूंगा। और जो मेरे नए दोस्त हैं ना जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहें और आप कुछ नया नया सीखते रहो दोस्तों। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो आपको दोस्तों सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक लेनी है और इसको सेव कर लेना है, पहले ही सेव करना है। ठीक है, तो मैंने ये ब्लैंक वर्कबुक ली है और इसको सेव कर दिया है अटेंडेंस नाम से, नाम कोई भी दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सीट वन को अभी आप रखिए ब्लैंक, सीट टू पे आ जाइए, यहां पे आपको क्लिक करना है B8 सेल पे, B8 सेल पे, और यहां से अपनी नॉर्मल एंट्री चालू करनी है। नॉर्मल एंट्रीज मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिनेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस तरह की इंफॉर्मेशन। तो मैं यहां लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहां पे कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने यहां पे ये देखिए कुछ इंफॉर्मेशन पेस्ट कर दी है। अब यहां पे जो आपके हेडर्स होंगे ना, इनके नीचे एक एक सेल और आपको रखना है, क्योंकि हम यहां पे टाइप करेंगे डेट्स और यहां पे टाइप करेंगे डेज। ठीक है, और भी जो आपको लिखना है इस तरह से वो आप लिख लीजिए, नॉर्मल इसमें टाइपिंग है, इसमें कुछ नहीं है सीखने सिखाने का। ठीक है दोस्तों, तो यहां इनको हम कर देंगे मर्ज, सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया, और इनको भी सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया, और इस तरह से हम इनको भी मर्ज कर देंगे, और यहां से भी इसको मर्ज कर दिया। अब यहां पे ये जितने कॉलम आपके हैं, आप एक रो छोड़ के इसके ऊपर इतने ही सेल कर लीजिए सेलेक्ट, और मर्ज कर दीजिए इसको भी, और यहां से इसको कर लीजिए हाईलाइट इस तरह से। और यहां पे आपको टाइप करना है अटेंडेंस 4 मंथ इस तरह से, और यहां पे हम मंथ का नेम लेके आएंगे। अब मंथ का नेम हम कैसे लेके आएंगे, हमें यहां पे कुछ ऐसा करना है कि जो सीट का जो नेम है ना, सीट का जो भी नेम है वो यहां पे आ जाए। तो मैं सीट का नेम अगर दूं जैन, तो यहां पे जैन आए। सीट का नेम अगर मैं दूं फैब, तो यहां पे फैब आए। तो फिलहाल हमें करना क्या है, यहां पे सीट का नेम लाना है इस सेल में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिसका जो फॉर्मूला आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको सिंपल कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद बस यहां पे इस सेल में आप पेस्ट कर दीजिए Ctrl V और एंटर दबा दीजिए। कुछ भी चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब यहां देखिए सीट का नेम आ गया, सीट टू। अगर मैं यहां डबल क्लिक करके सीट का नेम चेंज करता हूं, मैंने लिखा जैन, एंटर किया, तो यहां पे भी जैन आ गया है।
है ना। तो जो भी सीट का नेम आप रखोगे वही यहां पे आएगा। तो यहां पे जैन आ गया, ठीक है। फैब करूंगा तो फैब आ जाएगा। अब यहां हम इन तीन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज कर देंगे। मर्ज कर दिया और यहां से आप इसको हाईलाइट और कर दीजिए किसी कलर से, ये कर दिया, ठीक है। मैं यहां पे पहले ही मर्ज करके चल रहा हूं क्योंकि हम ये जो नीचे ये सेल है ना, इनको हम इस तरह से फिट करेंगे क्योंकि हमें इनमें केवल ए और पी लिखना है एब्सेंस और प्रेजेंस के लिए। तो हम पहले से इनको मर्ज करके चल रहे हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। उसके बाद यहां पे एक सेल छोड़ दीजिए और यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे ये जो मंथ है, ये मंथ का नेम है, इसकी फर्स्ट डेट कंप्लीट लानी है, जैसे 1 जैन 2019। तो इसके लिए यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल डेट वैल्यू। एक फॉर्मूला होता है डेट वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर हम टाइप करेंगे 1, मतलब ये डेट है, फर्स्ट डेट। एंड का साइन लगा के हम साथ में ये जोड़ देंगे, ये वाला सेल, एंटर कर देंगे तो यहां पे एक कोड आएगा, एक्सेल आपको एक कोड देगा। अब इस कोड को हम डेट के फॉर्मेट में बदल देंगे। तो सेल पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे चले जाएंगे और यहां डेट पे जाके कोई डेट का फॉर्मेट ले लेंगे, जैसे मैंने फॉर्मेट लिया ये वाला, ओके कर दिया। तो यहां पे देखिए ये डेट के फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अगर मैं यहां पे इसका नेम चेंज करता हूं सीट का, फैब, एंटर करूंगा तो यहां पे देखिए फैब आया और यहां पे भी आप देखोगे फैब 1 2019, ठीक है। तो मैं यहां इसको वापस जैन कर देता हूं, मैंने जैन कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये इस तरह से यहां पे हो गया। यहां पे मैं टाइप कर दूंगा 2 और इस सेल को मैं हाईलाइट कर लेता हूं पहले, ये हाईलाइट कर दिया, सॉरी अभी यहां पे 2 टाइप नहीं करना है, कंट्रोल जेड में कर रहा हूं, ठीक है। यहां इन तीन सेल्स को भी हम मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे, ये मर्ज कर दिया और यहां पे हम टाइप करेंगे 2, ठीक है। और इस 2 वाले सेल को मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। और यहां पे हमें एंड डेट निकालनी है, ये तो हो गई स्टार्ट डेट, जो भी मंथ का नेम यहां लिखा हुआ है इसकी स्टार्ट डेट यहां पे है और जो मंथ नेम यहां पे है इसी की एंड डेट हमें यहां लानी है अब, ठीक है। यहां भी हम तीन सेल्स को मर्ज कर लेंगे, ठीक है, मर्ज कर लिया। अब यहां पे एंड डेट लाने के लिए एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ये होता है ईओ मंथ। इसमें स्टार्ट डेट आपको टाइप करनी है, ये वाली सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगा के यहां पे बस 0 लिखना है और एंटर कर देना है, तो यहां पे एंड डेट निकल के आ जाएगी। अब यहां पे कोड आया है, इसको डेट के फॉर्मेट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, यही फॉर्मेट हमें यहां भी लगाना है। तो यहां पे क्लिक करके होम टैब में एक फॉर्मेट प्रिंटर होता है येरा, इस पे क्लिक कर देंगे और ये वाला सेल कर देंगे सिलेक्ट, तो सेम फॉर्मेटिंग यहां भी लग जाएगी। अब आप देखिए स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है। अगर मैं यहां सीट का नेम चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने फैब लिखा, एंटर कर दिया, तो देखिए 1 फैब से 28 फैब, है ना। तो यहां पे अपने आप स्टार्ट और एंड डेट आती रहेगी। थोड़ा सा मैं इनको सेट कर देता हूं, यहां से इसकी कम कर दी विड्थ और थोड़ा सा इसकी भी मैं अभी कम कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमें करना क्या है, थोड़ा इधर आ जाते हैं। यहां पे मुझे चाहिए डेट्स, ठीक है, डेट, यहां पे डेट डालनी है हमें और यहां पे हम डालेंगे डेज। अब यहां पे जो डेट चालू होनी चाहिए वो चालू होगी इस डेट से, यहां पे जो भी स्टार्ट डेट है उसी डेट से यहां पे हमें डेट्स चाहिए। तो यहां पे इस सेल में मैंने क्लिक किया और फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल और इस सेल को कर देंगे सिलेक्ट, बस एंटर करेंगे तो यहां पे देखिए पहली डेट आ गई। अब यहां पे हमें दूसरी डेट चाहिए, दूसरी डेट चाहिए, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम यहां पे एक लगाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ताकि ये वाली डेट हमारी इधर आ जाए। यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देना है, तो हम चेक करेंगे इसमें अगर ये वाली डेट कम है, लेस देन का साइन लगाएंगे, कम है इस डेट से, और इस वाले सेल को हम लॉक कर देंगे, इस वाले सेल को जो हमने सिलेक्ट किया अभी N6, इसको हम लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के, कॉमा लगाएंगे। अगर ये वाली जो डेट है ये कम है इस डेट से तो क्या हो, इसमें 1 जुड़ जाए, अदरवाइज सेल ब्लैंक आई, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहां पे देखिए कोड आया है। अब हम ये वाला फॉर्मेट यहां भी लगा देंगे, तो मैंने इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे एंटर पे क्लिक किया और इस पे क्लिक कर दिया। यहां आप देखोगे यहां पे डेट आ गई फैब 2, ठीक है। अब मैं इसको आगे ड्रैग करूंगा यहां से पकड़ के इधर, तो यहां पे भी डेट आ गई फैब 3, ये देखिए, है ना। अब दोस्तों इतनी बड़ी डेट हमें नहीं चाहिए, यहां पे तो हमें चाहिए 1 2 3, बस इस तरह से चाहिए। तो हम इन तीनों को कर लेंगे सिलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आप आ जाइए।
कस्टम पे जाएंगे और यहां पे ये सब कुछ हटा देंगे और यहां पे केवल टाइप करेंगे डी, सिंगल टाइम डी, ठीक है। ओके करेंगे तो यहां पे केवल डेट आएगी, ठीक है, मंथ और ईयर नहीं आएगा इस तरह से, 1 2 3। अब आप करोगे क्या, यहां से इसको पकड़ के आगे खींच लीजिए इस तरह से, तो यहां पे पूरा 31 तक आपको ये ड्रैग करना है आगे, 31 तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा और कर लेते हैं आगे, और यहां से इस तरह से, यहाँ पे 31 नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लगा हुआ है, 31 नहीं आया क्योंकि हमने जो मंथ लिया हुआ वो फेब लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा कि ये जो डेट यहाँ पे है ना, इस डेट को कौन सा डे है वो यहाँ आना चाहिए। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल करके टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हमें जो वैल्यू है सबसे पहला यहाँ पे पैरामीटर, तो इसमें ये वाला सेल देना है, कॉमा लगा के यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर 3 बार डी लिखना है, डी डी डी, डबल कोट्स क्लोज और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे है 1 तारीख को 2019 में, ठीक है, फैब में, तो यहाँ इसको पकड़ के हम आगे ड्रैग कर लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे जो वीक डेज हैं वो भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 28, 29, 30, 31 तक आपको ये ड्रैग करना है, ठीक है, ये देखिए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से इनको करेंगे सिलेक्ट और इनको हम ऑटो फिट कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करके ऊपर, तो ये देखिए ऑटो फिट हो गए सारे के सारे, है ना। अब इनको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे और यहाँ पे बॉर्डर और लगा लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर लग गया, ठीक है दोस्तों। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फैब की जगह ना जैन कर लेते हैं, जैन कर लिया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 31 तक डेट एंड डेज आ गई हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ से जो डेज हैं इनको सेलेक्ट करना है और इनको हम रोटेट कर देंगे। यहाँ पे होम टैब पे एक ऑप्शन होता है येरा, ठीक है, ओरिएंटेशन का, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप कर दीजिए, तो यहाँ पे ये डेज है ना ये ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इनको ऑटो फिट कर देंगे, यहाँ किसी भी एक कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक फिट हो गई हैं। अब ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके 31 तक डेट्स आ गई हैं, इनको हम करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, इस तरह से, और इनको हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से जो डेट्स हैं इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे और कोई फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर देंगे इनके लिए और बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे जो ये इस तरह का एरर है, ये एरर तब आता है जब सेल के अंदर ज़्यादा लिखा हुआ है वो सेल के अंदर कवर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डेट जो है वो थोड़ी सी लंबी है, सेल के अंदर फिट नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये एरर है। एक काम करते हैं, यहां से 2 के बाद ये सेल करते हैं सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है, और यहां पे इनको शिफ्ट कर देते हैं कंट्रोल वी ऐसे, ठीक है। अब यहां पे हम इन सेल्स को मर्ज कर देंगे, थोड़ा और एरिया यहां पे ज्यादा हो जाएगा, मर्ज कर देंगे, ये हो गया। उसी तरह से यहां से भी आगे कुछ सेल और सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई स्टार्ट डेट, इनको यहां तक ले आते हैं इस तरह से मर्ज, और ये हो गई हमारी एंड डेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, बॉर्डर और लगा देते हैं जितना हमारा सीट का एरिया है, तो इस तरह से मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लगा दिया ऑल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे भी हैज एरर है, तो एक काम करिए यहाँ कॉलम सेपरेटर पे 2 बार क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे जो डेट पूरी दिखाई दे जाएगी। तो इतना काम हो गया दोस्तों। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे संडे हाईलाइट करने हैं, तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट के नीचे इस सेल पे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा आप देखिए, फॉर्मूला यहां पे होगा इक्वल, ये 1 के ऊपर जो डे है ये सिलेक्ट करना है और यहां आपको कॉलम लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो एफ के सामने जो ये डॉलर है इसको हम हटा देंगे और यहां पे लगाएंगे इक्वल का साइन, कि अगर यहां पे संडे लिखा हुआ है SUN, ठीक है, शॉर्ट में ही टाइप करना है क्योंकि हमने यहां शॉर्ट में लिए हुए नेम संडे है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां पे फिल पे जाएंगे तो सेल के अंदर रेड कलर फिल हो जाए, बस ओके करेंगे, ओके करेंगे, यहां पे फॉर्मेट लग गया है, बस इसको पकड़ के आप इधर ड्रैग कर लीजिए। और अब आप देखोगे संडे संडे वाले जो हैं सेल नीचे वाले वो हाईलाइट हो गए हैं, देखिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फिर से आप यहां से पूरा करिए सिलेक्ट और जहां तक नीचे आपकी अटेंडेंस है वहां तक इसको आप ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए, है ना, हो गया काम। अब यहां पे आप देखिए मैं करूंगा क्या,
अगर मैं यहां से चेंज करता हूं, मान लीजिए मार्च मैंने लिखा, एम ए आर, एंटर किया, तो ये देखिए डेट अपने आप आ गई, सब कुछ अपने आप है, संडे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए। अगर यहां दोस्तों आपको सैटरडे भी हाईलाइट करना है ना, तो फिर से आपको यही काम करना होगा। यहां इस पहले सेल पे करिए क्लिक, और फिर से जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहां पे यूजे फॉर्मूला पे क्लिक करना है, और फिर से सेम फॉर्मूला लगाना है, बस संडे की जगह सैटरडे लिख देना है। ओके कर देना फॉर्मेट लगा के, तो यहाँ पे सैटरडे भी हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है ना दोस्तों। इससे पहले भी मैंने अटेंडेंस शीट के दो वीडियो पब्लिश किए हैं, आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आई बटन पे दोनों के लिंक दे रखे हैं, आप उनको देखिए, वहां से भी काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो ये डेट है मार्च 1, 2019, ये 2019 कहाँ से आया? ये हमारे सिस्टम के अंदर करंट डेट में से आया है। अगर हमारे सिस्टम में करंट डेट चेंज होगी, मतलब ईयर चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ईयर चेंज हो जाएगा। अगर सिस्टम में 2020 होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2020 हो जाएगा दोनों जगह। जब 2020 हो जाएगा, तो यहाँ पे संडे इधर उधर चले जाएंगे, तो हमारी अटेंडेंस जो मैनेज हमने की होगी सारी बिगड़ जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईयर है इसको फिक्स कैसे करेंगे? दूसरा, अगर हमें ईयर चेंज करना हो, अभी 2019 यहाँ पे आया है, अगर मुझे 2020, 2021 करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ एडिशन करना है। एडिशन क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फॉर्मूला, आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में लास्ट में क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको लगाना है एंड का साइन, और फिर यहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर स्पेस देना है, डबल कोट्स बंद कर देनी है, फिर एंड का साइन लगाना है, और यहाँ पे ईयर आपको लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2020, एंटर किया, तो यहाँ पे ये देखिए 2020 आ गया, 2020, और 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे संडे हाईलाइट हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको 2021 करना हो या 2019 करना हो, तो बस इस फॉर्मूला पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे मैनुअली जो हमने लिखा हुआ ईयर, इसमें आप चेंज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको वापस, फिर से 2019 एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए फिर से ये सब कुछ सेट हो गया। अब यहाँ पे ईयर फिक्स है, सिस्टम के अंदर डेट चेंज होगी तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये सब हो गया हमारा इतना काम। अब हम यहाँ से इस रेंज को करेंगे सिलेक्ट, और नीचे जहाँ तक भी हमने ये मेंटेन की है, उसके बाद जाएंगे हम डेटा टैब पे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अलाउ से लेंगे लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स में हम टाइप करेंगे A, P, एब्सेंस के लिए A, प्रेजेंस के लिए P। ओके कर देंगे तो यहाँ इन सेल्स में लिस्ट बन जाएगी, केवल आप A और P ही एंटर कर पाओगे, इसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इस सीट का फुल व्यू देखिए, ऐसी ये दिखाई दे रही है अभी। यहाँ इन दोनों सेल्स को मैं कर देता हूँ हाईलाइट, होम पे जाके हाईलाइट कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं बॉर्डर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हमें यहाँ पे आगे करनी है सैलरी कैलकुलेशन, तो उसके लिए थोड़ी सी एंट्रीज यहाँ पे होनी चाहिए। पहले हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, यहाँ इस सीट का नेम हम कर देते हैं जैन, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं, तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दी हैं कुछ एंट्रीज। अब हम यहाँ पे आगे करेंगे सैलरी कैलकुलेशन, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स टाइप करनी है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग्स पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, प्रेजेंस, एब्सेंस, टोटल डेज ऑफ मंथ, यहाँ पे ये हेडिंग्स मैंने पेस्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कुछ फॉर्मूलेज। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रेजेंस काउंट करेंगे, मतलब यहाँ पे पी काउंट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा देखिए, आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, मैंने सेल पे क्लिक कर लिया है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ सेल पे क्लिक कर लिया, फॉर्मूला आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तो मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला इक्वल करके काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें जो रेंज हम देंगे वो देंगे हम यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और इस रेंज में हमें काउंट करना है पी, तो यहां पे हम लगाएंगे कॉमा, डबल कोट्स में लिख देंगे पी, डबल कोट्स बंद, एंटर कर देंगे, तो यहां पे टोटल प्रेजेंस काउंट हो गई, ठीक है, 27। यहां पे अगले सेल में हमें एब्सेंस काउंट करनी है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से यही रेंज हम देंगे, और यहां पे इस बार हम काउंट करेंगे ए, डबल कोट्स के अंदर ए लिखेंगे, डबल कोट्स बंद, एंटर कर देंगे, तो यहां पे एब्सेंस काउंट हो गई 0। तो यहां पे पहले रिकॉर्ड में कोई भी एब्सेंस नहीं है, तो यहां पे हम ए लगा देते हैं 1, 2 में, तो यहां पे मैंने ए लिखा, और यहां पे भी मैंने ए लिख दिया, तो आप देखोगे यहां पे एब्सेंस 2 हो गई है।
अब यहाँ पे हमें टोटल डेज ऑफ मंथ निकालने हैं कि मंथ में टोटल दिन कितने हैं, 28 हैं, 30 हैं, 31 हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगा देंगे, इक्वल डे ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर हम ये लास्ट डेट देंगे, बस एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल डेज मंथ के निकल के आ गए। इन तीनों को हम कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे नीचे कर देंगे ड्रैग जहाँ तक हमारा डाटा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये एरर आया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि हमने सेल को फिक्स नहीं किया। तो यहाँ से इनको करेंगे डिलीट, डबल क्लिक, और इसमें जो ये सेल हमने दिया है इसको हम कर देंगे लॉक। तो कीबोर्ड से दबा देंगे F4, एंटर कर देंगे। अब इसको आप नीचे ड्रैग कर लीजिए तो यहाँ पे बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें निकालने हैं टोटल पेबल डेज। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टोटल डेज ऑफ मंथ में से माइनस कर दूं एबसेंस, एंटर कर दूं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जो कि सही नहीं है दोस्तों। कैसे सही नहीं है आप देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एंट्री अभी की ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने दिन की पेमेंट हमें देनी है, यहाँ पे टोटल पेबल डेज गलत है, 29 दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे हमने जो अटेंडेंस एंट्री की है 26 तक की है ना, तो 29 डेज कहाँ से आ गई? तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। और नीचे आप देखिए यहाँ पे 31 दिखा रहा है, यहाँ तो एंट्री की ही नहीं है हमने। तो ये एक गलत तरीका है, हम सही तरीका यूज करेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल पेबल डेज जो निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे कि हमारी जो कंपनी है उसमें जो ऑफ रहते हैं, संडे के ऑफ रहते हैं, संडे है, सैटरडे भी है, जो भी है, तो मान लीजिए संडे के ऑफ रहते हैं तो हम टोटल प्रेजेंस में संडे जोड़ लेंगे तो वो हमारे टोटल पेबल डेज हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, पहले हम यहाँ पे संडे काउंट करेंगे कि कितने संडे हैं। तो मैंने इस सेल पे कर लिया है क्लिक, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप, फॉर्मूला यहाँ ऊपर देखना, ठीक है। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमें रेंज देनी है तो मैंने ये रेंज दे दी डेज की, इसमें मुझे काउंट करने संडे कितने हैं, ये रेंज मैंने दे दी। साथ ही साथ इसको लॉक कर दीजिए, F4 दबाइए, इसको लॉक कर दीजिए, कॉमा लगा के यहाँ डबल कोट्स में दे दीजिए संडे, SUN, डबल कोट्स बंद, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे संडे काउंट हो गए 4। अब हम करेंगे क्या, फिर से यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक और लास्ट में हम लगाएंगे प्लस का निशान और साथ में जोड़ देंगे प्रेजेंस कितनी है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आ गई टोटल 25, है ना। अब यहाँ पे सही आया है, बट यहाँ पे भी दोस्तों एक समस्या है छोटी सी, वो ये है कि यहाँ पे तो हमने एंट्री की नहीं है बट ये टोटल पेबल डेज 4 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे संडे काउंट हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमने एंट्री की ही नहीं है ना तो यहाँ पे 0 ही दिखाए, 4 दिन की पेमेंट हम क्यों देंगे, जब महीने में कोई आया ही नहीं है तो 4 दिन की पेमेंट हम क्यों देंगे, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो थोड़ा सा और इस फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक और इक्वल के बाद लगाएंगे इफ, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो प्रेजेंस है 0 है, इक्वल 0, तो कॉमा लगा के हम लिख देंगे 0, अदरवाइज कॉमा लगा के ये काउंट का फॉर्मूला हम इसमें सेट कर देंगे। ये है फॉर्मूला इफ का, अगर प्रेजेंस जो है 0 होंगी तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 नहीं है तो ये फॉर्मूला काउंट वाला और ये एडिशन जो प्रेजेंस का होगा ये काम करेगा। लास्ट में इसको बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये सही है, यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए और नीचे तक इसको कॉपी कर दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 0 आ गया है ना, एकदम बिल्कुल सही यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बेसिक सैलरी जो भी है वो आप टाइप कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दी 10,000, 11,000, मैं यहाँ पे एक सीरीज टाइप कर देता हूँ, जो भी है वो आप टाइप कर लेना। यहाँ पे PF हमें निकालना है सैलरी का 5%, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, दिस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5%, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे PF निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पर डे अमाउंट निकालना है हमें कि टोटल सैलरी का एक दिन का अमाउंट कितना बनेगा, तो इक्वल करके ये जो बेसिक सैलरी है इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल डेज ऑफ मंथ से, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया, है ना। यहाँ पे डेसिमल हम हटा देंगे इसमें से, इस तरह से डेसिमल हमने हटा दिए। अब मान लीजिए यहाँ पे HRA जो है हाउस रेंट, वो कंपनी देती है 10% सैलरी का, तो इक्वल करके यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10%, जितना भी है एंटर आप कर लीजिए। तो यहाँ पे ये हमने HRA निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें निकालना है, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, हम टोटल पेबल डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे अमाउंट से,
तो इक्वल का साइन लगाएंगे, पर डे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेबल डेज, एंटर कर देंगे तो यहां पे ये इतना आ गया। डबल क्लिक कर दीजिए यहां पे तो ये फॉर्मूला नीचे कॉपी हो गया। डेसिमल आप हटा लीजिए यहां से इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहां पे निकालनी है इन हैंड सैलरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टोटल अमाउंट प्लस HRA माइनस PF, PF ठीक है, एंटर कर देंगे तो यहां पे हमारी इन हैंड सैलरी निकल के आ जाएगी, ये आ गई ठीक है। अब यहां दोस्तों एक समस्या है, समस्या क्या है आप देखिए, यहां पे भी ये सैलरी दिखा रहा है ठीक है, यहां पे हमने जो एंट्री की है वो कितनी की है आप देखिए, थोड़ा इधर आके देखते हैं, यहां पे हमने जो एंट्री किया वो यहीं तक की है, सीट के अंदर आप देखोगे यहां पे पूरी ब्लैंक है नीचे यहां पे, तो हमने यहां पे कोई एंट्री नहीं की है, तो यहां पे भी ये जो है अमाउंट दिखा रहा है कि इन हैंड सैलरी इतनी देनी है, तो ये थोड़ा सा गलत है। हम एक काम करेंगे यहां पे डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इसको ठीक है, यहां पे हम करेंगे डबल क्लिक, थोड़ा सा इसको इधर सेट कर लेते हैं इस तरह से, यहां पे डबल क्लिक करके थोड़ा फॉर्मूला हम मॉडिफाई करेंगे, इक्वल के बाद लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे भी हम वही करेंगे कि अगर प्रेजेंस इक्वल जीरो तो जीरो आ जाए, अदरवाइज यहां पे ये जो है इन हैंड सैलरी कैलकुलेट हो जाए, ये यहां पे हो गया फॉर्मूला, एंटर कर देंगे तो यहां अब इस फॉर्मूला पे आप कर दीजिए डबल क्लिक, तो एकदम यहां पे परफेक्ट कैलकुलेशन हो गई कंप्लीट ठीक है दोस्तों। यहां अब आप बॉर्डर लगा लीजिए और इस तरह से सिलेक्ट करके इसको और ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। अब होगा क्या, जैसे ही आप यहां पे मंथ चेंज करोगे तो यहां पे सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, संडे वीकडेज वगैरह, और यहां पे भी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी जो भी एंट्रीज आपने यहां की होंगी उनके अकॉर्डिंग दोस्तों, तो बिल्कुल एकदम यहां पे सब चीज सही है। अगर आपको यहां पे नीचे और रिकॉर्ड्स ऐड करने हो तो आप बस यहां पे सिंपल इस तरह से रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे, मतलब फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे और यहां से पकड़ के नीचे खींच लीजिए तो फॉर्मेट नीचे भी कॉपी हो जाएगा ठीक है ना। कंट्रोल जेड करके मैंने इसको अंडू कर दिया है। अब हम जाएंगे सीट वन पे, सबसे पहले हम इस सीट वन को रीनेम करेंगे, इसका नेम डबल क्लिक करके मैंने इसका नेम दे दिया होम ठीक है। अब यहां दोस्तों हमें कुछ बटन बनाने हैं जैन से लेके दिसंबर तक, तो सिंपल सेप्स हमें बनानी है, इंसर्ट पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपल सेप जो है इनको ऐड करेंगे, सेप पे जाके सिंपल मैंने रेक्टेंगल सेप ले ली और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, इसमें मैंने टाइप कर दिया जैन ठीक है, और यहाँ मैंने इस जैन का जो साइज है फॉन्ट साइज इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की से मैंने इसको ज़्यादा कर लिया है ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला बटन हो गया, आप यहां पे इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी, पेस्ट कर लीजिए कंट्रोल वी, इसी तरह से आपको यहां पे पूरे जैन से लेके दिसंबर तक बटन बना लेने हैं ठीक है, तो मैं यहां पे जल्दी से बना देता हूं। तो ये दोस्तों मैंने बना दिए हैं 12 बटन जैन से लेके दिसंबर ठीक है। अब एक काम करेंगे, कंट्रोल दबा के सभी पे क्लिक कर लो, कंट्रोल दबा के रखो सभी पे क्लिक कर लो, और अगर इनको थोड़ा डिजाइन से आप सेट करना चाहते हो तो ऊपर एक फॉर्मेट का टैब मिलेगा और यहाँ पे आपको शेप फिल एक ऑप्शन मिलेगा, आप कोई भी कलर इनमें फिल कर सकते हो, जैसे ये कर दिया, और यहाँ पे शेप इफेक्ट मिलेंगे तो शेडो वगैरह आप लगा के सेट कर सकते हो थोड़ा बहुत ठीक है ना, ये कर लीजिए, और टेक्स्ट वगैरह आप इनमें सेट करना चाहो कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर उस पर क्या डिजाइन लगाना है तो यहाँ से आप देख लीजिए जैसे भी है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस तरह से ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी जैन वाली सीट पे, यहाँ पे एक होम का बटन बनाएंगे, यहाँ पे हमें एक होम का बटन लाना है, तो हम एक काम करेंगे, मैं अपनी पुरानी अटेंडेंस सीट में से जो एक होम का आइकन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, आप होम का जो आइकन है वो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे सर्च करके, तो अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, इस आइकन पे क्लिक करूं तो होम सीट पे जाना है, तो हम हाइपरलिंक का हम यहां पे यूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम क्लिक करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ठीक है, और यहां पे होम सीट का नेम आपको मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आप देखिए यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप होम पे आ जाओगे,
ठीक है, अब हम जैन पे जब क्लिक करें तो हम जैन वाली सीट पे जाने चाहिए। तो हम यह जैन वाले बटन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक लगा देंगे। लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैन वाली एक सीट है ये रही, इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये इतना काम हो गया। आप यहाँ क्लिक करोगे जैन पे आ गए, होम पे क्लिक करोगे वापस चले गए होम पे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक सीट और ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ सीट जैन वाली सीट पे आएंगे और इस सीट को यहाँ से पूरी करेंगे सिलेक्ट। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। एक काम कर लीजिए, पहले यहाँ से जो एंट्री है ना इनको आप खाली कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इस सीट को करिए सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी करिए और सीट 3 पे जाइए और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। हो गया काम। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे एरर है, ये देखो यहाँ पे एरर है ना, तो आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए तो इस सीट का नेम आप रख दीजिए फैब। फैब मैंने यहाँ पे नेम दिया है, एंटर कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया है ना। अब यहाँ पे होम पे पहले ही लिंक था, आप क्लिक करोगे होम पे आ गए। अब यहाँ फैब पे राइट क्लिक करके आप फैब वाली सीट का लिंक यहाँ पे सेट कर दीजिए। लिंक पे क्लिक करके फैब यहाँ पे है, ओके कर देंगे। तो ये इतना काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फैब पे आ गए है ना, और होम पे जाओगे तो होम पे चले गए, जैन पे आ गए, होम पे गए, फैब पे आ गए है ना। तो इस तरह से ये काम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हमें 12 सीट ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ इस सीट को हम बाद में ले आते हैं इधर, और फैब वाली सीट पे जाके यहाँ पे फिर से आप इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी, और सीट 4 पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी, और इसका नेम आप रख दीजिए यहाँ पे डबल क्लिक करके मार्च। ठीक है, एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही एक एक करके आपको सीट लेनी है। अप्रैल के लिए APR मैंने यहाँ पे पहले ही सीट का नेम रख दिया है ये रहा, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दीजिए अपनी सीट जो भी है ना। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी आपको 12 सीट्स बना लेनी है। यहाँ पे मैंने लिखा मे, एंटर कर दिया, और यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करके मैंने सीट कॉपी की हुई है कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मे 1 और मे 31, तो अपने आप सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। एंट्री करोगे सारी कैलकुलेशन यहाँ पे अपने आप होगी। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ दिसंबर तक। तो यहाँ दोस्तों सारी सीट्स हमने रेडी कर दी हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे आ गए। अब यहाँ पे एक एक करके सभी को हम लिंक कर देंगे। मार्च पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ मार्च पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे मार्च पे आ गए, यहाँ आप देखिए है ना। होम पे क्लिक करेंगे, होम पे आ गए। तो इसी तरह एक एक करके हम इन सबको लिंक कर देते हैं। तो ये सारे बटन हो चुके हैं सीट से लिंक, और हमारी अटेंडेंस सीट दोस्तों हो गई है कंप्लीट। ये जो होम सीट है ना, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह या लोगो वगैरह यहाँ पे सेट कर दें तो वो आप कर लीजिए। डिजाइन आप इसको कर लीजिए, उसमें कुछ खास नहीं है, वो आप कर लोगे है ना। तो यहाँ पे जिस भी मंथ के बटन पे मैं क्लिक करूंगा उसी मंथ की अटेंडेंस में हम आ जाएंगे। ये देखिए जनवरी है ना, होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ गए, फेब पे क्लिक किया तो फेब में आ गए। यहाँ पे देखिए 28 फेब तक डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आई है ना। इधर आप आओगे तो सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो भी ऑटोमेटिक है, 0 यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, इन हैंड सैलरी 0। आप यहाँ पे जैसी एंट्री करोगे तो यहाँ पे जो है अमाउंट वगैरह आ जाएगा, ये देखिए है ना। तो सारी सीट्स पे ऐसी ही ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होनी दोस्तों। ये सीट आपके बहुत काम आएगी है ना। तो हमने इसको ऑटोमेटिक बना दिया है, हाइपरलिंक का थोड़ा यूज किया इसमें, बिना VBA के हमने इसको किया है। तो VBA की जरूरत हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम अपनी सीट्स को सिक्योर करना चाहें कि हमारी सीट्स को कोई डिलीट ना कर पाए, हायर ना कर पाए, अनहायर ना कर पाए, नाम चेंज ना कर पाए, तो इसके लिए एक पासवर्ड आप लगा लीजिए। आप जाइए रिव्यू टैब पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ स्ट्रक्चर पे टिक लगा के रखो और पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 111 पासवर्ड डाला, ओके दोबारा कंफर्म कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ से आपकी सीट्स को कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, नेम भी नहीं बदल पाएगा। तो ये बिल्कुल जैसी है वैसी ही रहेगी है ना। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ गए। अब यहाँ दोस्तों एक काम और आप कर सकते हो, अभी आप जो भी यहाँ पे चेंज करोगे, जिस भी अटेंडेंस में एंट्री करोगे, तो आपको ये मैनुअली सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे कंट्रोल एस दबाना ही ना पड़े, कहीं भी मैं एंट्री करूँ और डायरेक्ट बंद कर दूँ, ये अपने आप सेव हो जाए, तो एक वर्ड है VBA का, वो आप इसमें सेट कर सकते हो। क्या है देखिए, आपको प्रेस करना है Alt F11, Alt F11 दबाना है तो यहाँ पे विजुअल बेसिक की विंडो आएगी। यहाँ पे जाना आपको इधर सबसे नीचे और दिस वर्कबुक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लेना है वर्कबुक, और यहाँ पे आपको लेना है बिफोर क्लोज। यहाँ पे बिफोर क्लोज ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है
एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, ठीक है, बस इसको क्लोज कर दीजिए और यहां से इसको क्लोज कर दीजिए और यहां एक बार कंट्रोल एस दबा दीजिए। अब कंट्रोल एस दबाओगे तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्रो यूज किया है, तो आप इसको मैक्रो इनेबल करके सेव कर लीजिए। अगर दोस्तों आप यहाँ पे ये मैक्रो का छोटा सा कोड यूज करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको मैक्रो इनेबल करके सेव कीजिए, दोबारा से सेव कर लीजिए और यहाँ पे फाइल का कोई नाम दे दीजिए और यहाँ इस सेव एज टाइप में से आपको लेना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, और यहाँ पे आप इसका नेम दे दीजिए। मैंने इसका नेम दे दिया अटेंडेंस सीट, ठीक है, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये अटेंडेंस सीट अब सेव हो चुकी है। आप कहीं भी कोई भी एंट्री करोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे होम पे गया और जेन में आया और यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री कर दी, पी पी, ठीक है, इसको बंद कर दिया क्लोज, तो यहाँ पे ये सेव होने के लिए आपसे नहीं पूछ रहा। ये रही हमारी अटेंडेंस सीट, डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये मैक्रो का एक वार्निंग मैसेज आपको मिलेगा, मैक्रो हैज बीन डिसेबल, तो एक बार इसको इनेबल कर लीजिए बस, अब आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ देखिए जो भी आपने प्रेजेंस लगाई थी वो लगी हुई है, अब आप इसमें नॉर्मली काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे ईमेल आईडी दीजिए कमेंट्स में, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपको ये जो शीट है इसको मेल कर दूंगा पर्सनली। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोगों के काम आ सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।